हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका रफ़ी सर। देखो, जैसे जीओसी को जाने बिना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगेगा, वैसे ही रफ़ी सर के कंसेप्ट और ट्रिक्स को जाने बिना आपको केमिस्ट्री भी बहुत टफ लगेगा। इसीलिए रफ़ी सर है जहां, केमिस्ट्री बहुत इजी होगा वहां। तो देखो, पूरी केमिस्ट्री में जो मैन टर्मिनोलॉजी होगा उसकी जगह मैं अपना खुद का एक कंसेप्ट यूज करूँगा या ट्रिक्स यूज करूँगा, जिससे आपको उस चैप्टर की फीलिंग आएगी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कार्बोकटायन वर्ड आएगा, राइट? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकटायन आएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ नया वर्ड आ गया, राइट? कार्बोकटायन का सिंपल सा मतलब है कि कार्बन के वैलेंस सेल में अब 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 शेयरिंग करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो अभी तो इसने एक जो शेयरिंग वाला वो निकल गया, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये सब टर्मिनोलॉजी सुन करके कैसा लगता है कि कुछ नया चीज़ है, बट हम उसको क्या मानेंगे, हम मानेंगे कार्बोकटायन को कि वो बेगर है, डैट मीन्स भिखारी है, इन द सेंस इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पुअर भी बोल सकता हूँ मैं उसको, भिखारी बोल सकता हूँ, तो इससे पूरा सेंस आता। अच्छा, ये है, इसके बारे में 2-3 स्टेप हम आगे सोच सकते हैं, राइट? सिमिलरली कहीं पे कार्ब एनायन आएगा, राइट? तो अगेन ये सुनने में लगता है कि कोई फॉरेनर है, ऐसा नहीं है। कार्ब एनायन मतलब क्या हो गया कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच पर्सन है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अमीर या रिच पर्सन। तो मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा, ये जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि मैं कैसे मैन टर्मिनोलॉजी को कनेक्ट करूँगा अपने सिंपल डे टू डे लाइफ के टर्म से, जिससे आपको इसकी प्रॉपर फीलिंग आएगी। सिमिलरली कहीं पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया या किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये सबको मैं मानूंगा कि ये सब बर्डन है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, स्ट्रेस है, इन सब से रिलेट करूंगा। तो आप ही सोचो कि ये सब जिसके पास होगा वो क्या चाहेगा, कि इससे जितना चाहे दूर रहे, राइट? तो ये सब चीज़ों को मैं बर्डन, सोरो या मुसीबत मानूंगा। वैसे ही रेजोनेंस एक वर्ड आएगा, राइट? अब ये सब सुनकर कैसा लगता है, क्या रेजोनेंस मतलब घूमना फिरना, किसका घूमना फिरना, यही बर्डन, क्योंकि हर दुनिया में हर लोग चाहता है क्या कि उसकी मुसीबत टल जाए, राइट? उसके पास मुसीबत ज़्यादा देर तक नहीं रहे, या बर्डन ज़्यादा देर तक नहीं रहे, स्ट्रेस ज़्यादा देर तक नहीं रहे, तो रेजोनेंस इज नथिंग बट ये बर्डन, सोरो, इन सब का क्या हो गया, घूमना फिरना। तो ये जस्ट एक इंट्रो है कि मैं कैसे मैन टर्मिनोलॉजी को कनेक्ट करूँगा आपके सिंपल डे टू डे लाइफ वर्ड से, और उससे हम कैसे प्रॉपर फीलिंग लेंगे। डैट मीन्स मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि कभी भी चैप्टर को सही से फील करके अगर आप पढ़ोगे ना, सही से फीलिंग आ गई ना, तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जाने से पहले कुछ ज्ञान की बात हो जाए या मेन पॉइंट। तो देखिए, ज्ञान की बात या मेन पॉइंट ये है कि आप जानते ही हो कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मल स्टेट या उसका जो एक्साइटेड स्टेट बोल लो, जो भी, ऑलवेज कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तभी वो स्टेबल है। अगर 4 बॉन्ड नहीं बनाया, कहीं पे 3 बॉन्ड बनाया वो, तो डैट मीन्स वो इंटरमीडिएट है, वो स्टेबल स्टेट उसका नहीं है, ओके? या 2 बॉन्ड बनाया तो भी वो इंटरमीडिएट है। और तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये सभी को मालूम है। ये जो 4 बॉन्ड कार्बन बनाते हैं वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, हाइड्रोजन, हैलोजन, जो भी, इससे सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन में एक और प्रॉपर्टी है कि कार्बन खुद दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड भी। तो यहाँ पे क्या है, चारों का चारों आपका क्या है, सिग्मा है। यहाँ पे क्या किया इसने, 3 सिग्मा बनाया और 1 पाई बॉन्ड बनाया, ऐसा भी कर सकता है। अच्छा, ये जो पाई है वो खुद के एलिमेंट के साथ भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट के भी साथ हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी कार्बन ने 3 सिग्मा बनाया और 1 पाई बॉन्ड है। कार्बन चाहे तो 2 पाई बॉन्ड बना ले और 2 सिग्मा बना ले, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन ने 2 सिग्मा बनाया है और 2 पाई बनाया, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन का 3 पाई बॉन्ड बना ले कार्बन, राइट? कार्बन मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाएगा,
चारों के चारों सिंगल हो सकते हैं सिग्मा, या फिर तीन सिंगल एक पाई हो सकता है, या फिर दो सिंगल दो पाई हो सकता है, बस यही तक हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। और अगेन ये जो बॉन्ड है वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ ही बना सकता है, जैसे यहाँ पे ये और ये अगर आपका पाई है तो ये और ये इसका कार्बन का सिग्मा होगा, तो दो सिग्मा और दो पाई। तो ये कार्बन के बारे में एक पॉइंट हो गया जो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कोशिश है वो यही है, बहुत सारे बच्चों को यह मालूम होगा, लेकिन जो मेरा कोशिश है कि आपको मैं ग्राउंड लेवल से सीधे टॉप लेवल तक ले जाऊं, धीरे धीरे आपको लेके जाऊं, तो इसलिए मैं हर चीज़ों को पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आगे यूज़ करूँगा। नाउ नेक्स्ट डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने BLN लिखा, बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है, तो उसमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है कि उसमें आपको सारे एटम को दिखाना है एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सबको आपको क्या करना है, दिखाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि जितना भी एंड पॉइंट होगा किसी लाइन का, तो वो किसको डिनोट करेगा, बाय डिफॉल्ट कार्बन को। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर दिया, तो ये एंड पॉइंट है और ये क्या होगा, कार्बन, ये भी कार्बन। मान लो ऐसे कर दिया तो ये भी कार्बन है, क्योंकि इस लाइन दोनों का एंड पॉइंट ये हो गया और इसका एंड पॉइंट ये, तो ये सब कार्बन है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि हर एक एंड पॉइंट जो लाइन का होगा वो बाय डिफॉल्ट कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हो हमने कार्बन को नहीं दिखाया, सपोज करो ऐसा है कुछ, तो यहाँ पे मैंने दिखाया क्या कहीं पे, कार्बन, कार्बन नहीं दिखाया। हाइड्रोजन कहीं पे दिख रहा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपको कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है। लेकिन अदर कोई एलिमेंट होता, मान लो इसमें मुझे हैलोजन लगाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा Cl, मान लो यहाँ पे OH लगाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा, ओके। तो सारे आइटम को दिखाना है एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, और जितना भी एंड पॉइंट होगा किसी लाइन का वो क्या डिनोट करेगा, ऑलवेज कार्बन को। और एक पॉइंट और कि टू सेटिस्फाई कार्बन के फोर बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए आपको अगर कोई एलिमेंट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कौन लेना, हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसी में बात करूं, ये कार्बन है तो कार्बन ने अभी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो तीन बॉन्ड कौन बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ, राइट, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। तो ये सब भी आपको नहीं दिखाएगा, वही कहने मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, अगर कोई भी एलिमेंट हमने अटैच नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन लेना आपको, हाइड्रोजन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे एटम को दिखाएंगे एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो लाइन का एंड पॉइंट होगा वो आपका कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कोई ग्रुप हमने नहीं लगाया है तो कार्बन की वैलेंसी या कार्बन के चार बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए हम वहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, हाइड्रोजन होगा, जिसको दिखाया नहीं जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है या जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है उससे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया, ये आपका है ब्यूटेन, तो हमने आपको क्या बताया है कि बहुत ईजी है, चार कार्बन है, हर लाइन का जो एंड पॉइंट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जिगजैग मैनर में दिखा सकते हैं, देखिए तो ये एक कार्बन हो गया, ये दो, ये तीन और ये चार, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, बस। क्यों? क्योंकि कार्बन को भी हम नहीं दिखाते हैं, वो लाइन का एंड पॉइंट कार्बन को बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट करता है, और हाइड्रोजन को तो हम दिखाते नहीं है। तो ये इसका आपका कन्वर्जन हो गया स्ट्रक्चरल से बॉन्ड लाइन नोटेशन में, और इस टाइप के स्ट्रक्चर में काफ़ी यूज करने वाला हूँ, इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, इसीलिए पहले मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। सपोज करो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, राइट, तो यहाँ पे चार कार्बन है और कार्बन नंबर टू और थ्री के बीच पाई बॉन्ड है, तो पहले तो आप क्या करो, ये चार कार्बन हो गए कैसे, 1 2 3 4, और टू और थ्री के बीच पाई बॉन्ड है तो आपको एक डबल बॉन्ड दिखा देना, ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। क्यों? हाइड्रोजन हमें दिखाना नहीं है। सपोज करो ये वाला है, तो इस कार्बन पे चारों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, राइट, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, तो आप ध्यान से देखिए, एक ये, एक ये, एक ऐसे, और ये हो गया, ध्यान से देखो, ये जो आपका लाइन का एंड पॉइंट हो गया, ये एक कार्बन हो गया और ये एंड पॉइंट, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये पांच कार्बन हो गए, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।
सिमिलरली मान लो इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1, 2, 3 कार्बन है तो ये 3 कार्बन कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब देखो कार्बन को हमने नहीं दिखाया क्योंकि वो एंड पॉइंट, हाइड्रोजन को दिखाते नहीं, लेकिन उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसको शो करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है उसको शो करना है, तो आपको क्या कर देना है, OH करके दिखा देना। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो ध्यान से देखो यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आप कैसे दिखाएंगे, जैसे मन करे दिखा लो, ये दिखा दिया। नाउ यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है तो आपको ऐसे दिखाना होगा, ओके। बट ये उतना सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, आपको ऐसे कर देंगे, राइट। तो अभी 2 ही कार्बन हुआ, ध्यान से देखो अभी 2 ही कार्बन हुए, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कर दिया तो यहाँ पे भी 1 कार्बन अब हो चुका है क्योंकि ये एंड पॉइंट हर लाइन का 1 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी कार्बन हो चुका है ये, तो जस्ट मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तो आप देख सकते हैं 4 कार्बन और ये हो गए, तो ये एल्काइन टाइप के हो गए। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा आप नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होगा। नाउ ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आप क्या करेंगे, देखो ये कॉर्नर कार्बन, कॉर्नर कार्बन, कार्बन, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये हो चुका है। सिमिलरली ये वाला अगर आप ध्यान से देखें तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस टाइप से, ये जितने भी देख लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 6 कार्बन हो गए, राइट। अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो अगर आपने यहाँ पे दिया तो इसको छोड़ के यहाँ पे देना, इसको छोड़ करके यहाँ पे, ये हो गया इसका नोटेशन। क्योंकि कार्बन को हम हर लाइन का एंड पॉइंट से समझते हैं और हाइड्रोजन को दिखाते नहीं, तो आप देख सकते हो। सिमिलरली मान लो मुझे इसको आप रिप्रेजेंट करना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, तो आप ये 3 कार्बन कर लिया, कैसे, 1, 2 और ये 3, हर लाइन का एंड पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप देखो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड ओ है तो आप दिखाना पड़ेगा, तो डबल बॉन्ड ओ अब हमें दिखाना पड़ेगा, और ये वाले कार्बन पे OH है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि OH, ये हो गया उसका नोटेशन। बाकी हाइड्रोजन को हम कभी दिखाते नहीं हैं, हाँ ऑक्सीजन के साथ लगाओ तो डेफिनेटली उसको हमको दिखाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो आप क्या करेंगे, 5 कार्बन आप दिखा लें, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, जिगजैग मैनर में आप दिखा लेंगे, 5 कार्बन हमने दिखा लिया। नाउ कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड ओ है तो आप डबल बॉन्ड ओ कर दें, 3, 4 पे OH है तो 4 पे OH है तो OH कर दें, और ये 5 पे C डबल बॉन्ड और OH है तो आप देखो दिखाना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O है 5 पे और इसी पे OH है। तो अब इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया तो अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट। और यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया तो 1 बाय डिफॉल्ट कौन होगा, हाइड्रोजन, जो हम दिखाते नहीं। यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन होंगे जो हम नहीं दिखा रहे। यहाँ पे इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नो H, यहाँ पे नो H क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया। जहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है और कोई अदर एलिमेंट नहीं लगाया तो डैट मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे तो 3H होगा क्योंकि कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, आपको 6 कार्बन दिख रहा है और फिर उस पर लगा हुआ है तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेंबर का। उसके बाद ऊपर में आपका 2 कार्बन लगा हुआ है तो 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन है। उसके बाद इस पर BR लगा हुआ है तो BR दिखा दें, इस पर OH लगा हुआ है तो OH दिखा, तो ये इस टाइप से नोटेशन हो जाएगा। अब मैं कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन को कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रक्चरल में, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, देखो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 4 और यहाँ 1, 5 और 1, 6 कार्बन है, राइट। तो आप क्या लिख लें, पहले कार्बन कर दें, कार्बन है, राइट, फिर आपका कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, और इस कार्बन पर 2 कार्बन है तो जरूरी नहीं कि आप ऊपर दिखाओ, नीचे दिखा सकते हो, ये 2 कार्बन है। उसके बाद देखो ये कार्बन 1 ही बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन होंगे, 3 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया तो 1 कौन होगा आपका, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे, राइट। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया तो इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, इस टाइप से।
तीसरे वाले पे डबल बॉन्ड ओ है तो डबल बॉन्ड ओ कर दो। ये कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिया तो कोई हाइड्रोजन नहीं, ये कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो तीन हाइड्रोजन। तो ये देखो ये एक क्या हो गया कि टाइम टेकिंग भी है और काफ़ी ये बड़ा भी हो गया, तो इसलिए हम बॉन्ड लाइन नोटेशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। तो ये इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले ये छः कार्बन है तो आप छः कार्बन ड्रॉ कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। उसके बाद ध्यान से देखो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पे, तो वो डबल बॉन्ड आप दिखा दो, ये मैंने दिखा दिया। उसके बाद अब कार्बन का देखो, इस कार्बन ने तीन ही बॉन्ड बनाया है तो एक कौन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। ये कार्बन में तीन बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन, एक कार्बन में तीन बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन, इसने भी तीन बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है राइट, तो इस पे एक कार्बन है फिर कार्बन है, तो इस कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिया तो अब हाइड्रोजन हम अटैच नहीं करेंगे, बट इस कार्बन ने तीन बनाया तो हाइड्रोजन, इस कार्बन ने दो बनाया तो दो हाइड्रोजन, चार बॉन्ड बनाना, इसने एक ही बनाया तो तीन हाइड्रोजन। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये एक ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर रिंग बन जाएगी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग नहीं है तो ओपन स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत सिंपल है ये, मैं इसका यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पांच कार्बन आपको दिख रहा है, कैसे ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 रिंग में पांच कार्बन, तो पांच कार्बन से एक रिंग आप बना दो। ये देखो पांच कार्बन से हमने रिंग बना दिया राइट। अब उसके बाद देखो, एक कार्बन पे कार्बन कार्बन है राइट, इस कार्बन पे कार्बन और कार्बन है। अब बाकी कार्बन के वैलेंसी को हाइड्रोजन से हम पूरा करेंगे, तो ये कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया तो दो हाइड्रोजन, इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया तो दो हाइड्रोजन, इसने भी दो बनाया तो दो हाइड्रोजन, चार हो गया, इसने भी दो बनाया तो ये हो गया। यहाँ पे इसने ऑलरेडी तीन बॉन्ड बना लिया है तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे OH था तो मैंने OH कर दिया, इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया तो एक ही हाइड्रोजन होगा, इसने एक ही बनाया तो तीन हाइड्रोजन आपके होंगे। तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन में और बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा यूज ये बॉन्ड लाइन में करूँगा ये इस टाइप के, और इसलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम बात करेंगे GOC का पहला, डैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और इसी तरीके से हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।